गाइस विंडो 10 एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता। सो उन्हीं फीचर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम हर्षित, आप देख रहे हैं गेमिंग बड यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं एक इंट्रो के बाद। गाइस कितनी बार हुआ होगा कि आप लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हो एंड किसी काम की वजह से आपको बाहर जाना पड़ा और आप अपना लैपटॉप बंद करना या स्लीप में डालना भूल गए, और कोई भी नहीं चाहता कि कोई अननोन आके आपकी फाइल्स को देखे। सो उसके लिए एक फीचर है जो कि विंडोज़ ने ऑफिशियली दिया है, जो कि है डायनामिक लॉक। अभी इसको कैसे इनेबल करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपका ब्लूटूथ ऑन है और आपका जो फ़ोन डिवाइस है उससे कनेक्टेड है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा ब्लूटूथ ऑन है और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा डिवाइस कनेक्टेड है यहाँ पर। अभी गाइस आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है साइन इन ऑप्शंस एंड इस ऑप्शन में आना है। अभी यहाँ पर आपको डायनामिक लॉक का फीचर दिखना चाहिए। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो डायनामिक लॉक है, इसको आपको टिक कर देना है। एंड नाउ माय फ़ोन डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू माय पीसी गैलेक्सी A7 2018। अभी गाइस क्या होगा, जैसे ही आपका फ़ोन डिवाइस ब्लूटूथ 3 से बाहर जाएगा तो आपका पीसी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। सो एक एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस जैसे कि आपने देखा मेरा डिवाइस जो था वो ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। सो ऐसे ही अगर आप अपने फ़ोन डिवाइस को ब्लूटूथ 3 से बाहर ले जाओगे, सो लैपटॉप सेंस कर लेगा कि आप यहाँ पर नहीं हो और वो आपको ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर देगा। गाइस कितनी बार होता है कि आपकी जो हार्ड ड्राइव या SSD है वो आउट ऑफ स्टोरेज चली जाती है एंड आपको पता नहीं होता है कि मेनली आपकी स्टोरेज क्या ले रहा है। सो उसके लिए विंडो का एक और फीचर है जो कि है स्मार्ट स्टोरेज सेंस। अभी उसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ में आना है एंड सेटिंग्स में जाना है। अभी इसके बाद आपको सिस्टम में जाना है एंड यहाँ पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। अभी यहाँ पर ये स्मार्ट सेंस का ऑप्शन होगा, इसको आपको ऑन कर देना है। आप यहाँ पर आपकी सारी डिस्क दिखेंगी और आप देख सकते हो कि मेनली आपकी स्टोरेज क्या ले रहा है और जो आपके काम का नहीं आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। गाइस कितनी बार होता है कि आप जब लैपटॉप में काफ़ी टाइम तक काम करते हो तो आपके आई में जो होता है पेन होने लगता है, खास करके अगर आप रात रात को जग के काम करते हो या कुछ भी करते हो तो आपकी आई में काफ़ी पेन होता है। सो उसके लिए विंडो के पास एक फीचर है जिसका नाम है नाइट लाइट। अभी उसके लिए आपको क्या करना है, वापस से सेटिंग्स में आना है एंड डिस्प्ले एंड यहाँ पर आपको नाइट लाइट का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको ऑन कर देना है। अभी आपको यहाँ पर नाइट लाइट सेटिंग्स में जाना है एंड आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितनी स्ट्रेंथ चाहिए उसकी। मैं सजेस्ट करूँगा कि 50 या उसके आसपास का काफ़ी सही रहेगा। और यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हो कि आपको कब कब वो चाहिए, और अगर आपको 24 आवर चाहिए तो आप शेड्यूल नाइट लाइट ऑफ कर सकते हो और टर्न ऑन नाउ क्लिक कर सकते हो। सो अभी आप देख सकते हो स्क्रीन का कॉन्ट्रास्ट पूरा चेंज हो गया है। सो इससे आई स्ट्रेन काफ़ी कम हो जाता है और ये सही में काफ़ी यूज़फुल फीचर है। गाइज आपके साथ कितनी बार हुआ होगा कि आपको अपने फ्रेंड या किसी रिलेटिव को कुछ स्टेप्स दिखाने हैं कि ये चीज़ कैसे करनी है आपके PC या लैपटॉप पर, बट टेक्सटिंग से ये काफ़ी टफ होता है। सो उसके लिए विंडो ने स्टेप्स रिकॉर्डर ऐप रिलीज़ करा है जो कि आपका एक एक सिंगल स्टेप रिकॉर्ड करेगा और इससे आपको सामने वाले को बताने में आसानी होगी। सिंपली आपको क्या करना है, सर्च बार में आना है एंड यहाँ पर स्टेप्स रिकॉर्डर सर्च करना है एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी आपको मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ भी स्टेप्स कर लेता हूँ, जैसे पर्सनलाइज में जाना एंड यहाँ पे मैं डेस्कटॉप का वॉलपेपर कैसे चेंज करना है अगर सिखाना है तो मैं इनमें से कुछ भी करूँगा। एंड देन मान लो मैं यहाँ पर आ गया लॉक स्क्रीन में एंड ये आपको जो भी स्टेप करना है आप करो नॉर्मली एंड देन आप इसे आपको वापस ऑन करो एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑन कर दो एंड रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो एंड यहाँ पर आपके सारे स्टेप्स आपने क्या क्या करा वो सब आपको मिल जाएगा। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है और ये काफ़ी टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकता है। और यहाँ पर आप सेव करके इसको सेव कर सकते हो और जिसको भी सेंड करना है आप उसको सेंड कर सकते हो। गाइस इमोजीज आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, हर टेक्स्ट में आपको एक इमोजी मिल ही जाता है, बट विंडोज़ में करना काफ़ी टफ हो सकता है। बट इसके लिए विंडो ने एक पर्सनल ऐप रिलीज़ करा है जो कि है टच स्क्रीन कीबोर्ड। आपको सिंपली यहाँ पर टास्क बार में राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको मिलेगा शो टच कीबोर्ड बटन।
अभी जैसे आप उसको टिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उसको क्लिक करना है एंड एक कीबोर्ड यहाँ खुल जाएगा। अभी आपको यहाँ पर इमोजी का ऑप्शन मिलेगा, सो क्लिक करके आप यहाँ से सारे इमोजीज ले सकते हो और कहीं पर भी टाइप कर सकते हो। गाइस ये थे कुछ विंडो 10 के फीचर्स, होप करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ फीचर्स शायद आपको पता हो बट कुछ शायद आपको ना पता हो, नए पता चले हो। सो अगर आपको इनमें से कोई भी फीचर वैल्यूएबल लगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो होने वाले हैं कि आप लो एंड डिवाइसेज एंड्रॉयड डिवाइसेज को कैसे बूस्ट कर सकते हो, सो उस वीडियो में भी रेडी रहना। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Oh, 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 oh